यहाँ उपस्थित हुए पूज्य संतगण तथा निमंत्रित अतिथिगण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संघ के अन्य अधिकारी गण, नागपुर के संत वृंद, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, पिछला वर्ष वैशिष्ट्यपूर्ण रहा। पिछले विजयादशमी के बाद एक तो गुरु नानक देव जी की 550वीं, महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी का 150वां वर्ष है, और चलने वाला है, लेकिन 10 नवंबर से श्रीमान दत्तोपंजी ठेंगड़ी जी की शताब्दी भी, जन्मशती शुरू होगी। परंतु और कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जिसके कारण हम सब लोग शायद इस वर्ष को बहुत दिनों तक स्मरण में रखेंगे। सबके लिए बड़ा एक रुचि का विषय रहता है, भारत में लोकसभा चुनाव हुए 2019 में। सारी दुनिया का ध्यान था, इतने विस्तीर्ण भूगोल वाला और इतना विशाल जनसंख्या वाला देश ये चुनाव कैसे संपन्न कराता है, व्यवस्थित होंगे कि नहीं, चुनाव की स्पर्धा तो रहती है उसके पहले, और दलीय राजनीति चलती है उसके चलते, और कई प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं, सारी जनता उसको कैसे संभालेगी। और दूसरी बात थी कि 2014 में जो परिवर्तन आया था वो 2014 के पहले के सरकार के प्रति जो वितृष्णा उत्पन्न हुई उसका परिणाम था, जिसको अंग्रेजी में निगेटिव फॉलोअप कहते हैं। ऐसा केवल था कि लोगों ने कुछ परिवर्तन की अपनी इच्छा व्यक्त की थी, इसका भी निर्णय इसी चुनाव में होना था। दोनों बातों पर दुनिया का बहुत ध्यान था, चुनाव संपन्न हुए, ठीक से संपन्न हुए, कम से कम अब तो विश्व को ध्यान में आया हुआ होगा कि प्रजातंत्र यह व्यवस्था कोई पश्चिम के देशों ने भारत को दी है ऐसा नहीं है, हमारी परंपरा रही है। व्यवस्था का रूप कोई भी हो, संपूर्ण प्रजा के मन के भावों को समझकर ही शासन चलता था। ऐसी परंपरा के और स्वतंत्रता के बाद हमने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इस देश की सामान्य जनता ने समय समय पर प्रत्येक चुनाव में तो निर्णय लिए ही है और अनुभव भी पाया है, उसके कारण वो और अधिक परिपक्व हो गई है। ये अनुभव सारी दुनिया को आया और ये भी निष्कर्ष उसमें से बाहर आया। 2014 में जिस सरकार को चुनकर दिया था उन्हीं की सरकार को फिर से और बढ़ी हुई संख्या में चुनकर दिया, तो एक तरह से एक विश्वास देश की जनता ने व्यक्त किया। ये सामान्य प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, परंतु बहुत दिनों के बाद कुछ होने लगा देश में, ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा ध्यान में आया। और ये जो विश्वास प्रकट हुआ तो जनभावना को ध्यान में लेकर और देश को हित को ध्यान में लेकर साहसी और कठोर निर्णय लेने की ताकत इस सरकार की है, ये भी सिद्ध हुआ जब 370 को अप्रभावी बनाया गया। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जैसा होना था वैसा हुआ। सारे देश के जनता की इच्छा तो बहुत दिनों की थी, जो सत्तारूढ़ दल है
उनका भी विचार कोई छुपा नहीं था। वो दल जिस दल से निकला जनसंघ नामक, उस जनसंघ के जन्म के बाद उसका पहला आंदोलन इसी बात को लेकर था कि एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। 370 हटाने की मांग तो उनकी तब से थी, परंतु उन्होंने इसके लिए मन बनाया, निर्णय किया और अकेले नहीं किया, तो राज्यसभा में लोकसभा में और भी दलों का सहयोग लेकर दोनों जगह इसको बहुमति से उन्होंने किया, कुशलता से किया। और उसके कारण मीमांसा संसद के चर्चा में करते हुए भारत के सामान्य जन की भावना को बहुत अच्छी तरह अभिव्यक्ति दी। वे सारे दल जिन्होंने इसका समर्थन किया और बिल प्रस्तुत करना वगैरह सारी प्रक्रिया करने में जो नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी है, उनका यह कार्य अभिनंदनीय है और उसकी बहुत प्रशंसा हुई। दूसरी एक बात हुई चंद्रयान, जो अभी तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को छूने का किसी ने साहस नहीं किया था, हमारे वैज्ञानिकों ने किया, पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन जितनी मिली वो भी सारी दुनिया का ध्यान आकर्षण करने के लिए और सारे विश्व में भारत के वैज्ञानिकता का बौद्धिकता का प्रभाव जमाने में पर्याप्त थी और वो हुआ, सारी दुनिया ने अभिनंदन किया। और हम कर सकते हैं ये विश्वास हमारे देश के वैज्ञानिकों से लेकर तो सामान्य जनता के हृदय में अवतीर्ण हुआ, ऐसा एक बहुत विशेष कार्य हुआ। इसलिए कुल मिलाकर वातावरण क्या है, उत्साह का है, आत्मविश्वास का है, सतत प्रयत्न हम कर सकते हैं, हम करेंगे, इस प्रकार का संकल्प बने, इस प्रकार का है। एक दृष्टि से हम लोगों में आश्वस्ति लाने वाला है, जो आश्वस्ति हम चाहते थे बहुत दिनों से, परंतु आश्वस्त होकर असावधान होना, आलस्य करना, निष्क्रिय होके मैं और मेरा परिवार इस मर्यादा के अंदर ही रहना, इसके लिए अब समय नहीं है, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। राष्ट्र के परम वैभव को प्राप्त करना, विश्व का सिरमौर भारत खड़ा करना, इसके लिए लंबा चलना पड़ेगा। अपने आप में किसी देश को इस प्रकार से आगे बढ़ना ये एक दुर्गम कार्य होता है, उसका पथ बड़ा कठिन होता है। और ऐसा होने न देना चाहने वाले लोग हैं, वो रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। कई मामलों को लेकर स्पर्धा चलती है, राजनीति को लेकर भी चलती है, उसके चलते भी गतिरोध उत्पन्न होते हैं। कुछ बाधाएं पहले से रहती है, इन सबको हटाकर अपने गंतव्यों को प्राप्त करने के लिए सतत जागृत रहकर प्रयास करना पड़ता है। संकट आते हैं, प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उनका उत्तर देना पड़ता है, हमारे सामने है। कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उसका उत्तर देना पड़ता है, और कुछ चुनौतियां है, उनका सामना करना पड़ता है। ऐसे हमारा देश संकटग्रस्त तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, पहले से अधिकतम सुरक्षित है। हमारे सीमाओं की सुरक्षा, उसकी चौकसी, उसके लिए हमारी सामरिक तैयारी,
हमारी सेना का मनोबल ये उत्तम है, इसकी साक्ष्य हमको पिछले वर्षों में बहुत बार मिली है। सीमा का बंदोबस्त भी पहले से बहुत अधिक अच्छा हुआ है। हाँ, चौकियों की और सैनिकों की संख्या बढ़ाने की विशेषकर पूर्व सीमा पर आवश्यकता है। समुद्री सीमा पर की चौकसी भी बढ़नी चाहिए और विशेषकर जो द्वीपों वाला टापुओं वाला इलाका है, अपने देश के और सामरिक हित के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, देश की सुरक्षा के दृष्टि से अत्यंत नाजुक, वहां भी यह सुरक्षा की व्यवस्था अधिक चौकन्नी करनी चाहिए। इसकी आवश्यकता तो है, लेकिन पहले से अधिक अच्छा हुआ है और प्रयास चल रहे हैं। देश के अंदर भी उग्रवादी घटनाएं जो होती हुआ करती थी उसमें कमी आई है। उग्रवाद के चक्कर में फंसे लोग वो अब वापस आकर शरणागत हो जाकर अपने सामान्य जीवन को जीने का संकल्प करके आगे बढ़ते, ये संख्या भी अभी बढ़ी है। परंतु संकट तो सदैव रहता ही है। हम जब बीमार पड़ते हैं तब दवाई लेनी चाहिए, पहले से दवाई ली है इसलिए बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन बीमारी उत्पन्न करने वाले कई प्रकार के जीवाणु तो अपने शरीर में ही निवास करते हैं। और अगर शरीर की सतत प्रतिकार शक्ति जागृत रहती है, उसमें थोड़ी ढिलाई आ गई, थोड़ी कमी आ गई, तो बीमारी का प्रकोप शरीर को अपना भक्ष्य बनाता है। ऐसे ही ये जो परिवर्तन अपने देश में आया, एक नया संकल्प सर्वसामान्य लोगों में जागा है, एक नई आशा जगी है, उसके चलते कुछ परिवर्तन भी हुए हो, उसको पसंद न करने वाले लोग हैं। और ये आवश्यक भी नहीं है सबको पसंद हो, प्रजातंत्र है इसलिए मत का स्वातंत्र है, तो ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको पसंद नहीं है। लेकिन अपने मत को साकार करने के चक्कर में देशहित की मर्यादा का ध्यान न रखकर, केवल अपने स्वार्थ का ध्यान रखकर प्रयास करने वाले लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं, देश में भी है दुनिया में भी है, जिनको भारत का वैभव नहीं चाहिए, भारत की प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, दुनिया में भारत का बढ़ता मान सम्मान और भारत का बढ़ता समर्थन, जिस प्रकार भारत के शत्रु आज अलग थलग पड़ रहे, अकेले हो जा रहे, उनको ये पसंद नहीं है। और उसके लिए उनके कारनामे फिर भारत में चलते हैं और भारत की प्रतिकार शक्ति, ये प्रतिकार शक्ति समाज की कैसे दिखती है, समाज की एकात्मता में उसकी प्रतिकार शक्ति है। समाज में एक दूसरे को समग्र दृष्टि से देखने का व्यवहार चाहिए, समरसता चाहिए, अंतःकरण में आत्मीयता चाहिए, निस्वार्थ बुद्धि चाहिए, देश हित में हम सबको जीना है, इस प्रकार की एक भावना चाहिए। वो जितनी पक्की चाहिए उतनी पक्की न होने के कारण कई भेद हमारे चलते आते हैं। अभी तक वो निरस्त नहीं हुए, प्रयास चल रहे हैं सबके, लेकिन भेद है। हमारे देश में जो विविधताएं हैं वो भी है, हमारे देश का भूषण है, परंतु ऐसी शक्तियां और इसका लाभ लेकर दूरियां बढ़ाती है, एक को दूसरे से अलग करने की कोशिश करती है, विविधताओं को भेदों के रूप में देखती है, भेद पहले से है उनको और भड़काती है, उसके आधार पर समाज की दूरियां बढ़ाती है और अलगाव के आधार पर ये जो हमारी छोटी छोटी पहचाने हैं, जो हमारे देश की विशेषता है, मेरी कोई भाषिक पहचान है, मेरी कोई प्रांतीय पहचान है, जाति उपजाति हमारे देश में उसकी भी पहचाने बनती है, रहने के स्थान उसकी भी पहचाने बनती है, ये सब होने के बावजूद एक बड़ी पहचान में हम सब लोग एक धारा में जैसे
एक प्रवाह में जैसे अनेक धाराएं चलती है वैसे हम चलते हैं, परंतु इस प्रकार हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग इन अलगाव कर उत्पन्न करने वाली कार्रवाइयों को आधार पर इन पहचानों को एक दूसरे के विरोधी बनाते हैं। हम ये है यानी हम ये नहीं है, ऐसा एक नया वर्णन नैरेशन, उसका प्रचार, तरह तरह के असंतोषों को लोगों के मनों में भड़काना, जहां भेद है वहां झगड़े लगाना, ऐसा करके ये दूरियां बढ़ती रहे और इसमें से केवल अलगाव नहीं परस्पर विरोध खड़ा हो, समाज में आपस में फूट नहीं केवल झगड़े भी लग जाए इसकी और व्यवस्था करने में वो लोग जुटे हैं, इसका प्रतिकार हमको करना पड़ेगा। और भी एक बात होती है, ऐसे जब होता है तो सबको संयम नहीं होता है, वो असंतोष भड़काकर झगड़े भी बनाए जाते हैं, सद्भावना से भी कोई वक्तव्य आता है किसी का, उसको विकृत रूप में पेश करना, तोड़ मरोड़ कर पेश करना, और ये सारे वर्णन में नरेशन में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ताक पर रखने की प्रवृत्ति को बढ़ा। देश के प्रति हमारी सबकी मिलकर जो पहचान है उसके प्रति एक वितृष्णा जगाना, विरोध जगाना, ये काम होता है और उसके चलते फिर झगड़े होते हैं, हिंसा भी होती है, कानून व्यवस्था का बंधन नहीं रहा तो फिर देश की क्या गति होगी। स्वतंत्रता के पहले भगिनी निवेदिता ने और स्वतंत्रता के बाद इस देश का संविधान संसद के सामने रखते हुए पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत साफ शब्दों में इस बात का उल्लेख किया है कि नागरिकता का पालन करना, नागरिक कानूनों की मर्यादा के अंदर रखना, नागरिक अनुशासन का पालन करना, यह देशभक्ति के प्रकटीकरण का एक रूप है और स्वतंत्र देश में उसी की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता और इस प्रवृत्ति को बढ़ाया दिया जाता है, ये जो माया युद्ध मंत्र युद्ध चला है उसका सब स्तरों पर बौद्धिक और सामाजिक स्तरों पर प्रतिकार करना पड़ेगा। हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है तो ऐसे भी समाचार आए हैं कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति को इक्का दुक्का पकड़कर पीटा, मार डाला, कुछ किया, हमला किया, समाचार तो चलते। यह भी ध्यान में आता है कि किसी एक ही समुदाय की ओर से दूसरे समुदाय पर होता है, ऐसा नहीं है, उल्टा भी हुआ है। यह भी ध्यान में आता है कि कुछ हुआ नहीं तब बनाया गया है, उकसाकर घटनाएं कराई गई है और नहीं हुई है, दूसरा कुछ हुआ है उसको इस रंग में रंगाया गया है। लेकिन 100 घटनाओं के अगर रिपोर्ट छपे होंगे तो 2-4 में तो यह बात ऐसी ही हुई होगी। अब यह होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी जो स्वार्थी शक्ति है वो इसको बड़ा उजागर करती है और दूसरे ढंग से उजागर करती है। समाज के और किसी एक समुदाय ने यानी पूरे समुदाय ने नहीं, कहीं कोने में रहने वाले 10-5 व्यक्तियों में और ये हिंसा की प्रवृत्ति भड़क गई, कानून वगैरह की परवाह न करते हुए उन्होंने कुछ किया, उसको उस पूरे समुदाय पर थोप देंगे दोनों तरफ से, क्योंकि ये किसी के पक्षधर नहीं है। समाज के 2 समुदायों में आपस में झगड़ा हो यही उनका हेतु है।
समाज की एकता के पक्षधर लोग हैं उनको उसमें घसीटेंगे, संघ का नाम लेंगे। भाई कि ऐसी घटनाओं में और कहीं पर कोई संघ का कुछ संबंध है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन उसका नाम लेंगे। संघ का कोई स्वयंसेवक ऐसे झंझटों में जाता नहीं, करता नहीं, पढ़ता नहीं, होने वाली हो तो रोकने का प्रयास करता है। गलती से कोई उसमें फंस गया तो संघ उसको बचाने का प्रयास नहीं करता, संघ को कहता है कि तुम कानून की प्रक्रिया से अपने आप को सिद्ध करो निर्दोष। लेकिन ऐसे नाम लेकर वो जो बात है वो शमित हो, दुर्भावना समाप्त हो, कटुभावना जाकर सद्भावना उत्पन्न हो, ऐसा करने के बजाय उस पर और बार बार जोर देके उसको तरह तरह से पेश करके उससे झगड़ा बनाने का, और ये काम ये भी चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है, ये सबने समझना चाहिए। संघ का नाम लेते होंगे, हिंदुओं का नाम लेते होंगे, केवल नाम नहीं लेते, जो हमारे देश में कभी रहा नहीं, आज भी नहीं है, आज भी हमारे संविधान में भी कुछ ऐसा नहीं है। उदारता की हमारी परंपरा है, सबके स्वीकार की हमारी परंपरा है, यहां ऐसी बातें कभी हुई नहीं। जिन देशों में भी वहां उनके लिए शब्द है, जैसे एक शब्द चला पिछले साल लिंचिंग, ये क्या हमारे यहां होता था कभी, हुआ है? ये शब्द कहां कहां से आए हैं, इसके संबंधित पुरानी कहानी। तो एक बाहर जो धर्म ग्रंथ तैयार हुआ उससे मिलती है, उस धर्म से उसके कोई संबंध नहीं, लेकिन घटना कि एक महिला को ऐसे ही पत्थरों से मारने के लिए जुट गए एक गांव के लोग, तो वहां ईसा मसीह पहुंचे और उन्होंने कहा कि इसको पापी है इसलिए आप पत्थर मार रहे, तो ठीक है मारो, लेकिन जो जिसने पाप न किया हो वो पहला पत्थर उठाए। तो सब लोगों को ध्यान में अपनी गलती आई। तो ये घटनाएं कहां की है, जहां की है वहां उसके लिए शब्द है, हमारे यहां ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये छुटपुट समूहों की घटना है जिन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सब लोग चाहते हैं। हमारे देश की परंपरा उदारता की है, मिलकर रहने की है, भाईचारे से रहने की है। हमारे यहां तो प्राचीन घटना यह मिलती है कि पानी को लेकर दो गांवों में झगड़ा हुआ तो तथागत बुद्ध ने जाकर उन दोनों को समझाया और वो सारे झगड़े समाप्त कर दिए। हमारी परंपरा तो यह है। लेकिन ऐसे दूसरे देश से आई हुई किसी परंपरा का और हमारे ऊपर शब्द थोपेंगे और हमारे सारे समाज को, देश को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करेंगे। भारत में क्या हो रहा है, कहीं भी अलग अलग पहचान वाले, छोटी पहचान वाले या विविधता वाले लोग इतने शांति से एक साथ सुख में रहते हो, ऐसा भारत के बाहर कोई उदाहरण है क्या? आज भी नहीं है, लेकिन यह चलता है और इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। एक तो संपूर्ण समाज में हमको सद्भाव उत्पन्न करने का काम करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। संघ के स्वयंसेवक इस प्रयास में पहले से ही लगे हैं और बढ़ा रहे हैं अपने प्रयासों, परंतु सबको इसकी चिंता करनी पड़ेगी। हमारा सारा व्यवहार, हमारा मन वचन कर्म पूरे देश को जोड़ने वाला होना चाहिए, विवेक से बात करनी चाहिए, विवेक से कृति करनी चाहिए, जहां अमंगल है वहां भी मंगल करने का प्रयास करना चाहिए, अमंगल को लेकर दोषारोपण में नहीं उलझना चाहिए। जहां भी जाएंगे वहां कानून संविधान की मर्यादा का पालन करके ही हम सबको रहना है, स्वयंसेवकों को यही संस्कार मिलता है और वैसे वो चलते हैं। सबको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, कितना भी उकसावा हो, प्रोवोकेशन हो,
मर्यादा के बाहर नहीं जाना, हिंसा नहीं करना। जब परचक्र था, विदेश से आक्रामक आते थे, तब अपनी तेजस्विता का प्रगटीकरण और ऐसे पराक्रम में हुआ है, तब वो बात ठीक थी। लेकिन अब अपना समाज है, अपना देश है, अपना शासन है, अपने लोग हैं, भले मत से हमारी विरोधी हो, भले मत से हमसे अलग हो, भले पूजा किसी की कोई हो, भाषा किसी की कोई हो, सारा भारत सारे भारतीयों का है। सब भारतीयों को आपस में मिलजुल कर देश के कानून ने जो आचरण की मर्यादा बनाई है उस अनुशासन का पालन करके ही रहना चाहिए। ऐसी घटनाएं न हो, हो जाए, हो गई तो दोषियों के लिए दंड हो, इसका प्रावधान अपने कानूनों में है। अगर कम पड़ता है तो नया बनाना चाहिए, लेकिन जो भी बना है उसका सख्ती से अमल होना चाहिए, तत्परता से होना चाहिए, उसमें अपना पराया नहीं देखना चाहिए। यह राजा की जिम्मेवारी होती है, शासन की जिम्मेवारी होती है। स्वयं सेवक अगर सत्ता में है तो उसकी यही सीख है, वो ऐसे ही करेगा। इस प्रकार चलने से हम इस संकट का प्रतिकार कर सकते हैं। ऐसी बातें भड़काने वाले और अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए ऐसी बातों को प्रश्रय देने वाले लोगों को हमारा, लोगों का आश्रय न मिले इसकी चिंता करनी चाहिए। अपने हितों और स्वार्थों की मर्यादा देश और समाज की एकात्मता और एकता है, ये ध्यान में रखकर चलना चाहिए। कहीं मतभेद है तो बैठकर निर्णय कर सकते हैं, संवाद से निर्णय होता है, संवाद चर्चा होनी चाहिए। और ऐसा होने पर भी कुछ मामले अटक जाते तो उसके लिए कानून है, न्याय व्यवस्था है, वो सबसे संवाद करके सबका मन समझ के सहमति निकाल सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं। जो भी निर्णय हो, निर्णय मान्य करना चाहिए, कला नहीं करना चाहिए। निर्णय अगर मन से स्वीकार नहीं है तो निर्णय के खिलाफ अपील में जाने का प्रावधान इन कानूनों में है। कानून सम्मत मार्ग से हम अपनी बात फिर से एक बार और चर्चा में ले जा सकते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। परंतु इस मर्यादा में रहकर ही, सबके प्रति सद्भावना रहकर ही यह सारे व्यवहार हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अब सारे विश्व में अर्थव्यवस्था चलती, उसका एक चक्र होता है और समय समय पर उसमें एक गतिरोध आता है, वो स्लो हो जाता है। तो कहते हैं कि मंदी आई। अब मुझे एक सज्जन ने बताया, वो अर्थशास्त्र के जानकार है, उन्होंने बताया इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, शायद है नहीं है, मत पता नहीं मुझे, वो अर्थशास्त्र जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये मंदी यानी रिसेशन तब कहा जाता है जब जो ग्रोथ रेट है वो जीरो के नीचे चले जाए। तो फिलहाल हम तो 5 के आसपास है, हमको उसकी इतनी चिंता तो करें, हम चर्चा क्यों करें? क्योंकि चर्चा से वातावरण बनता है, वातावरण में मनुष्यों का आचरण होता है। तो अगर बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे ऐसा हो रहा है तो अर्थ व्यापार करने वाले लोग ऐसा हो रहा है ऐसा मानकर और अपनी सुरक्षात्मक गतिविधियां शुरू करेंगे, जो फिर से अर्थव्यवस्था की गति को और मंद करेंगे। हम उपाय करने में जाए, सरकार ने उपाय किए हैं, सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है, उन्होंने कुछ उपाय किए हैं, लेकिन जैसा हमारे प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा कि अकेले सरकार ये नहीं कर सकती, हम सबको ध्यान में रखना होगा, हम सबको कुछ उपाय करने होंगे, कुछ सरकार को करने होंगे, ये तो सरकार को झेलना ही पड़ता है ना। अमेरिका चीन की भी स्पर्धा चलती है, उसके परिणाम होते रहते हैं। लेकिन एक तो विश्वास रखना चाहिए, इतने सारे उपाय हुए कुछ तो होगा ही, और मुख्य बात तो हमको ये देखना चाहिए कि सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, कुछ करे ना करे, हमारे आर्थिक क्षेत्र में जो हस्तियां है वो बहुत मजबूत है। बड़ी हस्तियां, बड़े उद्योग, जैसे आपके सामने
शिव नारद जी बैठे। एक भारतीय व्यक्ति सामान्य परिस्थिति से ऊपर आकर इतना बड़ा पराक्रम करता है, और ऐसे एक नहीं है, अपने देश में कई उदाहरण है। और वो केवल अपने मुनाफे की चिंता करने वाले लोग नहीं है, वो सब लोग अपनी अधिक कमाई समाज के लिए खर्च हो इसका ध्यान रखने वाले लोग हैं, और अर्थव्यवहार की बहुत अच्छी समझ रखकर दुनिया के आर्थिक जगत में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है। ऐसे ही हमारे मध्यम और छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, अद्भुत गाथा है। यहां हमारे विभाग संघ चालक जी उत्सव देखने आए हैं, पल्लवी स्वामी जी तिरुपुर से आते हैं, कभी तिरुपुर जाकर देखिए हमारा मध्यम उद्योग वाला छोटे उद्योग वाला क्या कर सकता है। वहां आदमी जाता है नौकर के नाते जाता है और मालिक बनता है, ये वहां की कीर्ति है। वहां के छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, वहां के आर्थिक संस्थान जो ऐसे उद्योगों के लिए पूंजी देते हैं और काम करने वाले सब लोग, इनका एक समन्वय है उसके आधार पर, और वो सारा अपने देश का और दुनिया का एक बड़ा महत्वपूर्ण नीटवेयर हब बना है। ये चमत्कार हमारे लोग कर सकते हैं, हमको डरने की क्या आवश्यकता है, हम इस चक्र से बाहर आने वाले हैं। प्रयास की आवश्यकता है, और प्रयास करते समय ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार भी प्रयास कर रही, और पूंजी चाहिए तो FDI का आमंत्रण भी कर रही है, कुछ उद्योग उनका निजीकरण भी चल रहा है, जब आवश्यक है तब करने में कोई दिक्कत नहीं, ये उपाय है। कभी ऐसे भी हो सकते हैं, कभी वैसे भी हो सकते हैं, परंतु इसका उपाय जो है वो हमने सशक्त बनना है। बाहर की FDI भी बुलाएंगे हम, आएगी कब, जब वहां के लोगों को भरोसा है कि हम यहां माल बनाएंगे तो हमको उसका वापस मिलेगा कुछ। तो जो देश आर्थिक दृष्टि से सशक्त है, वो सशक्त कैसे होता है, हमारे देश के आर्थिक सशक्ति के कुछ आधार स्तंभ है, पहले से है। देश दुनिया में आई हुई ये मंदी तेजी का बहुत असर हमारे यहां होता नहीं, उसका कारण वो लोग है। हमारा सामान्य आदमी बचत करता है, हमारे यहां जो सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, छोटे खुदरे व्यापारी है, छोटा मोटा अपना उद्योग चलाने वाले स्वरोजगार वाले लोग है, कृषि है, लघु मध्यम उद्योग है MSME जिनको कहते हैं, पर्यटन है, इसकी बहुत शक्ति है, इसमें बहुत संभावना है, इसको विकसित करना चाहिए। रोजगार बढ़ाने से लोगों के हाथों में पैसा आता है, पैसा आने से लोग खरीदते हैं, खरीदने से अर्थव्यवस्था की गति बढ़ती है। तो हम जो भी करेंगे हमारे देश का रोजगार बढ़ेंगे, बढ़ाए। हम बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, उसका नीचे तक अमल ठीक से हो। हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत छिद्र थे जिससे हमारी संपत्ति बह जाती थी, वो छिद्रों को बंद करने का काम भी अच्छा चला है, उसके लिए कड़ाई करनी पड़ती है, बहुत अच्छी तरह कड़ाई हो रही है। लेकिन कड़ाई की बात जहां तक है, जो प्रामाणिक है, नियम मानने वाले लोग हैं, वो उस कड़ाई के कारण बड़े छटपट आते हैं, लेकिन देश के लिए सहन करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन जिनको नियम कानून की परवाह नहीं और जिनको पाप ही पाप करना है, वो लोग अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं और बड़े आनंद से इसमें रहते हैं। तो कड़ाई योग्य जगह हो और अतिरिक्त कड़ाई का प्रामाणिक लोगों को कष्ट न हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। ऐसे कुछ उपाय कर लिए तो विदेशों पर निर्भर रहने की बात अपनी कम होगी। हम संघ के लोग तो स्वदेशी वाले लोग हैं, लोगों को ऐसा लगता है स्वदेशी यानी दुनिया से संबंध बंद करो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सबसे अधिक
स्वदेशी वाले जानते हैं कि आज का युग परस्पर निर्भरता का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, दुनिया पास में आ गई है, बहुत अच्छे घनिष्ठ पहले से आर्थिक संबंध होने पड़ते हैं, लेकिन किसके होते हैं? जो स्वावलंबी है उसके संबंध ज्यादा होते हैं। उससे संबंध रखने में बाकी देशों को रस रहता है, और इसलिए स्वदेशी यानी क्या है? दत्तोपंजी ठेंगड़ी कहते थे कि यह देशभक्ति का रूप है, दैनंदिन जीवन में देशभक्ति। विनोबा जी कहते थे स्वदेशी यानी स्वावलंबन और अहिंसा। जो मैं अपने घर में बना सकता हूं वो मैं बाजार से नहीं लाऊंगा, और बाजार से लाना है तो जिनका रोजगार चल रहा है उनके रोजगार पर संकट लाकर मैं नहीं करूंगा। मेरे गांव में चीज बनती है तो मेरे गांव का रोजगार मारकर मैं दूसरे गांव से क्यों लाऊं? मेरे देश में हो सकता है तो दूसरे देश से क्यों लाना? मेरे देश में नहीं होता है तो उसके बिना मेरा जीवन चल सकता है क्या? तो बिना चलाऊंगा, नहीं चल सकता तो ठीक है दूसरे देश से लाऊंगा। उसकी शर्तें रहेगी, वो मुझे माननी पड़ेगी, लेकिन मैं मजबूरी में नहीं मानूंगा, मैं विचारपूर्वक मानूंगा। अपनी शर्तों पर सब देशों से व्यापारिक संबंध बनाने का नाम है स्वदेशी। अपनी शर्तों पर संबंध बनाने का आर्थिक बल स्वयं का रखना। अगर आप ना करोगे तो करो, हमारा नुकसान नहीं, हम कर लेंगे। पर हम कंप्यूटर नहीं देते हो, हमने बना लिया। ऐसी धमक रखकर परस्पर निर्भरता जो चलती है वो फिर लाभ हानि के तत्वों पर नहीं चलती, वो दोस्ती के तत्वों पर चलती है, संबंध रखने के लिए चलती है। भारत का विश्वास है सारी दुनिया में कि ये सच्चे लोग हैं, इनके साथ व्यापार करने से हम घाटे में नहीं रहेंगे। वो विश्वास काम करेगा, वो विश्वास बना रहे, इसलिए हम लोगों को आर्थिक स्वनिर्भरता देने वाली व्यवस्था की ओर ही बढ़ना पड़ेगा, मूल से विचार करना पड़ेगा। अब हमारे यहां गिर गए हैं, ब्राजील के लोग उसको लेके गए अपनी गायों को अच्छा करने के लिए। आज सुनते हैं कि वहीं से हमने और वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए सीमेंट मांगा है, क्या जरूरत है भाई? हमारे यहां गिर गाय है अच्छी है, 28 से 32 लीटर दूध देने वाली हमारे लोगों ने पाली है, गुजरात में जगह जगह मिलती है। गुजरात में अब ब्राजील से वापस गिर नस्ल के और बीज को बुलाने की क्या जरूरत है? स्वदेशी यहां आती है, हमारे पास है, हम देंगे दुनिया को। दुनिया को आवश्यकता रहती है, वो देना हमारे लिए एक साधन बन जाएगा। विदेशी लोग व्यापार करते हैं अच्छा है, अच्छा करेंगे तो ठीक ही है, सावधान तो रहना पड़ेगा ना। एक देश है मान लीजिए, वो देश क्या करता है? अपने देश में किसी बाहर की कंपनी को आने नहीं देता, और किसी को आना है तो कहता है कि ठीक है आओ, एक शर्त है, आपके डायरेक्टर बोर्ड में एक डायरेक्टर हम बताएंगे वो रहेगा, हमारे देश का आदमी रहेगा, और आपके हर निर्णय में उसकी सम्मति आवश्यक रहेगी। सारी देश दुनिया की बड़ी कंपनियों को मान लीजिए अंदर उन्होंने लेकर और अपना एक एक आदमी रख दिया, और उसके सम्मति के बिना नहीं चलेगा तो ये कंपनियां उनकी हो गई। और वो कंपनियां क्या करती है? भारत जैसे देश की छोटी कंपनियों को खरीदती है, नाम वही रहते, कंपनी अलग रहती है, शेयर्स किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के है, उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्या है? वो चाइना के अंडर चलती है। ऐसा अप्रत्यक्ष साम्राज्य दूसरे देश में अपना उत्पन्न करने का काम चलता है, हमको सावधान रहना पड़ेगा ना। इसलिए उस स्वदेशी की आवश्यकता है, और स्वदेशी की ओर बढ़ना है तो मूल से हमको विचार करना पड़ेगा। प्रचलित जो अर्थतंत्र है वो अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता, जीडीपी जैसे उसके जो मानक बने हैं वो अधूरे हैं, दोषपूर्ण है, ये भी आज के सब अर्थतज्ञ कहते हैं।
हम अपने देश के अनुकूल, अपने देश को आगे बढ़ाने वाली, अपने देश का रोजगार बढ़ाने वाली, अपने देश के उत्पाद और उत्पादन बढ़ाने वाली, पर्यावरण की कम से कम या न हानि करने वाली और कम से कम ऊर्जा में काम चलाने वाली, लोगों में समृद्धि के साथ सदनीति लाने वाली अर्थव्यवस्था, उसका विचार क्यों ना करें? उसकी तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। आज जो हमको स्थिति मिली है उसमें ही चलना पड़ेगा। उसमें चलने के लिए तरह तरह के मोड लेने पड़ेंगे, वो लेने भी चाहिए, परंतु ऐसे मोड लेते समय ध्यान में ये रखना चाहिए कि इन घुमावदार रास्तों से गुजर कर हमको पहुंचना कहां है और कितना बल प्राप्त करना है कि आगे चल के हमको ऐसा घुमाव न लेना पड़े, इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। और इसकी चिंता करनी है तो मन में स्व की स्पष्ट कल्पना चाहिए। स्व की स्पष्ट कल्पना शिक्षा से मिलती है। शिक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक हमारे प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा है, एक अंग उन्होंने शिक्षा का बताया है, शिक्षा की गुणवत्ता चाहिए। चौथी में पढ़ने वाला दूसरी का पाठ पढ़ नहीं सकता, ये कोई गुणवत्ता नहीं हुई। अमेरिका के लोग हमारे बच्चों के गणित में कुशलता की कीर्ति गाते हैं और हमारे यहां पांचवी में पढ़ने वाला बालक गणित कर नहीं सकता, ये स्थिति अच्छी नहीं है, उसको तो सुधारना ही पड़ेगा। परंतु आखिर शिक्षा है किस लिए? शिक्षा केवल पेट भरने की है क्या? पेट भरने की शिक्षा देनी नहीं पड़ती, जीवन सिखाता है, अनुभव सिखाता है। परंतु शिक्षा मनुष्य को दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि वो अच्छा मनुष्य बने, उसके मन में स्वगौरव हो। जिसके मन में स्वयं की प्रतिष्ठा नहीं है वो कैसे प्रतिष्ठित बनेगा? दुनिया उसको क्या प्रतिष्ठा देगी? स्वभाषा, स्वभूषा, स्वसंस्कृति, स्वदेश, स्वपरंपरा, स्वपूर्वज, इन सबका गौरव सिखाने वाली उत्कृष्टता, एक्सलेंस मन में भरने वाली, हर बात में उत्कृष्ट प्रवीणता उत्पन्न करने वाली, और ऐसी उत्कृष्टता को निस्वार्थ बुद्धि से, आत्मीयता से, करुणा की भावना से, देश के लिए, समाज के लिए, समाज में जहां आवश्यक है ऐसे लोगों के लिए अर्पण कर देने वाला, संस्कार देने वाली शिक्षा हमको चाहिए। कर्तव्य बोध, सुसंगत तर्कनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, करुणा के साथ साथ मन में भरने वाली शिक्षा चाहिए। नई शिक्षा नीति आ गई है, अच्छा है, केवल ढांचागत परिवर्तन से काम नहीं चलता, ये सारी बातें देनी पड़ेगी। पाठ्यक्रम से लेकर तो शिक्षकों के प्रशिक्षण तक सर्वत्र विचार करके ये शिक्षा का कंटेंट हमको ठीक करना पड़ेगा, वो काम होगा इसी आशा करते हैं। केवल सरकार के हाथ में शिक्षा नहीं, निजी हाथों में भी है, वहां भी ये काम हो जाए। और दूसरा शिक्षा का स्थान है अपना कुटुंब, वहां बहुत चिंताजनक स्थिति है, संस्कारों का क्षरण है। मातृवत परदारेषु ऐसा कहने वाला हमारा देश है। सीता जी के अलंकार पहचानने को लक्ष्मण जी को कहा गया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं केवल पैर की पंजनिया उसी को पहचानता हूं, क्योंकि मैंने गर्दन उठाकर सीता भाभी का मुख कभी देखा नहीं। ऐसी परंपरा बताने वाले देश में हमारी मातृशक्ति न घर में सुरक्षित है न बाहर सुरक्षित है, ये स्थिति क्या हम सबको शर्म आए ऐसी स्थिति नहीं, लज्जाजनक नहीं है? ये कैसे हो सकता है? हम इतने सारे लोग रहते हैं और मोहल्लों में महिलाएं सुरक्षित नहीं? हमको तो इसके बारे में समर्थ होना ही पड़ेगा, संरक्षण देना ही पड़ेगा, लेकिन हमारी मातृशक्ति को भी हमको सशक्त बनाना पड़ेगा, प्रबुद्ध बनाना पड़ेगा, बराबरी के साथ परिवार का और देश का गाड़ा चलाने वाला अधिकार उनको देना पड़ेगा। वो कर लेंगे, उनको अवसर दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए, उनको सहायता कीजिए, उनके राह को रोकिए मत, तो कर लेंगे।
और कोई चिंता करने का कारण नहीं इससे परिवार का क्या होगा, क्योंकि वात्सल्य को हमारी माता बहनें जितना जानती है उतना हम लोग नहीं जानते। भारतीय नारी की विशेषता यह वात्सल्यता है, और इसलिए उनके उन्नति के मार्ग पर वो चल सके उतना बल उनके पैरों में भरना, वो चलने के लिए और कुछ सहायता मांगती हो सहायता देना, चलने के लिए रास्ता खुला रखना, उनको चलने की स्वतंत्रता देना, ये काम हमको करना पड़ेगा। अनेक काम संघ के स्वयंसेवक करते, मातृशक्ति भी उनके साथ जुटी है, उस सारी मातृशक्ति ने मिलकर एक व्यापक सर्वेक्षण किया है जो दिल्ली में 24 सितंबर को प्रकाशित होगा। उस प्रकाशन के आधार पर अब आगे कुछ योजनाएं स्वयंसेवकों की उसके लिए चलेगी, लेकिन केवल संघ का काम नहीं है ना, ये हम सबका काम है, हम अपने घर से प्रारंभ कर सकते हैं। घर में यह वातावरण होना चाहिए संस्कार का। आखिर भ्रष्टाचार भी आता कहां से? व्यसन मुक्ति की बात चलती है, व्यसन आते कहां से? व्यसनों के मोह से अलिप्त रहने का संस्कार घर में नहीं मिलता, ये विवेक घर से नहीं मिलता, तो कच्ची आयु में इन सब बातों के शिकार हमारे घर के बच्चे होते हैं, हमारे नौजवान होते हैं। चीन जैसे देश को अफीम के वसन में जकड़कर कितने ही वर्ष यूरोप के देशों ने चीन पर राज्य किया, इतनी लंबी और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा वाला देश। व्यसन मुक्ति ये प्रश्न है, उत्तर देना पड़ेगा घर में वातावरण से, घर में संस्कारों से, अपने उदाहरण से, अपने बच्चों के तरफ अपनी आत्मीय सजग दृष्टि सतत रखने से। इसकी आवश्यकता है। भ्रष्टाचार भी ऐसे होता है ना, मुझे मेरी जो योग्यता नहीं है वो धन मुझे चाहिए, वो लाभ मुझे चाहिए, और उसके लिए जो परिश्रम करना है मुझे शॉर्टकट चाहिए, मैं उतना लंबा जाना नहीं चाहता हूं, इसी को तो भ्रष्टाचार कहते हैं ना। किसी भी हालत में पाने की ये बुद्धि कहां से आई? तो वहीं से आई, घर से, हमारे उदाहरण से, हमारी अनदेखी के कारण। हमने अनजाने में अपने परिवार के बच्चों का लक्ष्य बदल दिया, पैसा कमाने का केवल लक्ष्य दिया, दान करने का लक्ष्य दिया नहीं साथ में, हमने उनको अधूरा रखा है। और इसलिए अपने परिवार में इन संस्कारों का प्रयास होना चाहिए। सामाजिक जीवन में भी सब धुरीणों ने ध्यान में रखना चाहिए, यद्यतः चरति श्रेष्ठा तत्तदेवे तरोजना, और इसलिए ये करना चाहिए। हमारा उदाहरण हम नहीं जानते, लोग हमारा अनुकरण करते हैं, उनको जीवन की उचित राह दिखाने वाला ही हमारा उदाहरण अपने मन के मामले में, सोच के मामले में, अपने कर्म के मामले में, अपने वचन के मामले में हो। पांच लोगों में भी जो प्रमुख है उसको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हम में से प्रत्येक को अपने घर की अगली पीढ़ी के लिए, अपने घर परिवार में भी इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, समाज में भी इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। माध्यमों के बंधु यहां पर है, उसके तो बड़ी भूमिका है सामाजिक वातावरण में मद मराने की। अगर थोड़ा सा व्यापारिक मुंह अपना छोड़ दे मसालेदार बातों को छापने का, और उचित बातें छापे, सकारात्मक विचार लाने वाली बातें दिखाएं, करने लगे हैं बहुत सारे लोग, अच्छी बात है और बढ़ना चाहिए। माध्यमों की पहुंच बहुत है और माध्यम इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। माध्यमों ने इसको अगर अंगीकृत किया तो ये काम बहुत जल्दी होगा, और बच्चे तो ठीक ही हो जाएंगे लेकिन उनके मां बाप भी ठीक हो जाएंगे, उनकी बड़ी भूमिका है। सब मिलकर अगर इसको करते हैं, संघ के संयोजक तो कर रहे हैं, कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि चलती है, सब लोग करने लगे तो हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम इन बातों को मात दे सकते हैं। हमारे सामने ये जो चुनौतियां खड़ी है उनके उत्तर हम दे सकते हैं। संघ यही काम करता है। संघ को क्या करना है?
संघ को चरित्र निर्माण करना है, व्यक्ति निर्माण करना है। लेकिन वही शक्तियां फिर से संघ के पास समाज ना आए, समाज आने लगा है, उसके आने की गति बंद हो जाए, आया हुआ दूर जाए, इसलिए तरह तरह के काम करती है। उसमें संघ के खिलाफ अपप्रचार ये काम रहता ही है। अपने दुष्कर्मों में सफल नहीं होते तो संघ को रोको, ये मंत्र तो अब इमरान खान भी सीख गए हैं। और इसलिए संघ के बारे में तरह तरह की गलतफहमियां, असत्य बातें बोलकर, प्रमाणहीन बातें रखकर, जानकारी कुछ रहती नहीं। संघ की स्थापना गुरुजी ने की, गुरुजी और सावरकर और क्या हिटलर को आदर्श मानते थे, कुछ भी, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा क्यों है, हमने सोचा इसलिए ऐसा है, प्रमाण, हमको प्रमाण की जरूरत नहीं, यह अहंकार भी है और कुटिल इच्छा भी है। अब संघ कहता है हिंदू संगठन, हिंदू राष्ट्र, तो बस, संघ ने कभी कहा नहीं, संघ कहेगा भी नहीं, संघ करेगा भी नहीं, संघ की इच्छा एकदम अलग है। लेकिन वो कहे कि देखो हिंदू हिंदू की बात कर रहा, मुसलमान ईसाइयों का विरोध कर, अब हिंदू की बात करना है ना मुसलमानों का विरोध करना है, कहां से आया भाई। हां ये ठीक है कि एक आक्रमकों के साथ आया है इस्लाम, लड़ाइयां हुई है उसके कुछ, और रहे जैसे, और होली बीत जाती है लेकिन वो बातें रह जाती है कुछ दिन, वैसे है, जाएगा धीरे धीरे। लेकिन हिंदू का संगठन करना इसका मतलब उनका विरोध करना ही थोड़ी है, ये स्वयंसेवक भी नहीं समझता। लेकिन अप्रमाणित बातें ऐसी, किसी कोई छुटपुट आदमी कुछ बोल देता है उसको संघ का इसलिए प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे प्रचार चलता है। संघ तो कोई छुप छुप बात नहीं करता है, संघ अपने जन्म से कह रहा है, स्पष्ट सुविचारित धारणा है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र यानी किसका राष्ट्र, हिंदू कौन है, तो हिंदू वो है जो ये समझता है कि विश्व के अस्तित्व में एक ही सत्य है जो विविध रूपों में हमको दिखता है, मनुष्यों के भी विविध प्रकार होते हैं, उस सत्य को समझने के विविध रास्ते भी होते हैं, उस सत्य के रूप को देखने की विविध नजरें भी होती है, सभी अपने अपने जगह सही है। इसको किसी को बदलने की जरूरत नहीं, मिटाने की जरूरत नहीं, अपने अपने श्रद्धा पर पक्के चलो, अपने आप एक न एक दिन वहां पहुंच जाओगे। आपस में मिलजुल कर चलो, आपका मोक्ष कैसा हो आप तय करो, आपकी मुक्ति कैसे हो आप तय करो, आत्मा को माने न माने आप तय करो, देवों के रूप हजारों है कि एक ही है आप तय, आप चलो वैसे, परंतु धर्म का पालन करो। धर्म क्या होता है, धर्म को पंथ बना देने से गड़बड़ है, धर्म सबका होता है और एक ही होता है, वो मानव धर्म होता है, उसको आजकल हिंदू धर्म कहते, क्या कहेंगे, क्योंकि सब अपने अपने रास्ते से चलेंगे, कोई बात नहीं, मिलजुल कर चलो, दोस्ती से चलो, सबकी बात सही है, मेरी ही सही है ऐसा नहीं है, मेरी भी सही है ये बात ठीक है, ऐसा मानकर चलने वाले इस देश के ही लोग रहे सारी दुनिया में, और देशों के नहीं रहे, और इस देश के लोग उस बात को तब से लेकर चल रहे हैं, इसलिए इस बात को कहते हैं। तो इस मानवता की बात को, मानव धर्म को, डॉक्टर बाबा साहब के शब्दों में बंधु भाव को हिंदू धर्म कहते तो क्या कहें। जहां यह बात बनी, पकी, बढ़ी, सारी दुनिया में फैली, वो भारतवर्ष, उसके जल जन जमीन जंगल जानवर सबके प्रति भक्तियुक्त प्रेम रखने वाला, और जिन पूर्वजों ने अपने जीवन से इस विचार को सींचा बड़ा किया, अपने रक्त से जिसको प्राणों से बलि देकर सुरक्षित रखा, उन पूर्वजों के गौरव को मन में धारण करने वाला, और इस विचार को अपने जीवन में उतार कर चलने वाला, जो भी है उसकी पूजा कोई भी हो या उसकी पूजा कुछ भी ना हो, वो कहीं का रहने वाला हो, दुनिया में किसी कोने से आया हो, वो
किसी भाषा को बोलने वाला हो, खान पान रीति रिवाज उसका किसी प्रकार का हो, वो हिंदू है। ऐसे लोगों की यह परंपरा रही है जिसको भारत कहते हैं। भारत यानी केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत यानी मनुष्य है, लेकिन भारत यानी जमीन का टुकड़ा भी है, क्योंकि उस मनुष्य की मनुष्यता इस जमीन के टुकड़े में से जो सुफल सुजल सुफल समृद्ध ऐसा था उसमें से निकली है। और इसलिए मातृभूमि की भक्ति, पूर्वजों का गौरव और संस्कृति में विविधता को एकता में पिरोने वाला आचरण, ऐसा करने की इच्छा और प्रयास जिनके है वो सब हिंदू है, उनका यह राष्ट्र है। इसमें किसी के विरोध की कोई संभावना नहीं। शब्द का झगड़ा हो सकता है, कट्टरता छोड़कर सबको अपना और सत्य मानने वाली हमारी संस्कृति है, लेकिन लोग कहते हैं इसको हिंदू मत कहो, भारतीय कहो। ठीक है, आप कहो, आप भारतीय कहते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम समझते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आपको वो शब्द है, कुछ लोग जो कहते हैं ये इंडिक विचार है, इंडिक अंग्रेजी में, ठीक है, इंडिक विचार है। हम लोगों को सामान्य लोगों में जाके उनको समझाना है, दुनिया में जाकर ये विचार बताना है। हमारा अनुभव है इन जगह पर हमको जो कहना है वो ठीक ठीक तब समझ में आता है जब हिंदू शब्द का उच्चारण करते हैं। हिंदू एक ही शब्द ऐसा है जो इस कंटेंट को बताता है और किसी बात को नहीं बताता, किसी ग्रंथ को नहीं बताता, किसी कर्मकांड को नहीं बताता, किसी भगवान के स्वरूप को नहीं बताता, वो केवल इस बात को बताता है। भारतीय कहेंगे तो भारत भूमि का संबंध आएगा, इंडिक कहेंगे तो भी भूगोल का संबंध आता है। हम तो भारत में है हिंदू, भारत के बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतताम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये धर्मप्राण प्रकृति और संस्कृति के कारण हिंदू सबसे आत्मीयता रखता है, सबका सबका आत्मीय है, वो सबको अपना कुटुंबीय मानता है। उसी को बढ़ाना, उसी को संवर्धित करना, मनुष्य को सच्चा मानव बनाना, सृष्टि को, मानवता को एक फिर से और नई देन देना, इसके लिए हिंदू संगठित होना चाहिए। क्योंकि बातें अच्छी है लेकिन दुनिया शक्ति के आधार पर मानती है। 10 वर्ष पूर्व 15 वर्ष पूर्व हम वही थे, ९००९ में मैं ही सरसंघ चालक था, विजयदशमी में मैं ही बोला था, इतने सारे लोग नहीं थे सुनने के लिए। आज है, क्यों है? क्योंकि संघ का काम बढ़ा है, संघ की शक्ति बढ़ी, और इसलिए शक्ति चाहिए। बिना शक्ति दुनिया मानती नहीं, दुर्बल को कोई पूछता नहीं, दुर्बल की हित की रक्षा कोई करता नहीं। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रो बलिम दद्या। देवों को पूछा यज्ञ में बलि चढ़ानी है, उस समय की बात है, बलि प्रथा को हम समर्थन नहीं करते, उस समय चढ़ाते थे, तो पूछा क्या आपको घोड़ा दे, उन्होंने बाबा लात मारेगा, हाथी अरे इतना बड़ा हाथी उसको क्या बलि चढ़ाओगे आप, और शेर, शेर तो बिल्कुल नहीं, वो अपनी बलि ले लेगा पहले, फिर बकरी को बलि दो, बेचारी बकरी, देवो दुर्बल घातक। ये दुनिया में ऐसा है, और इसलिए हिंदू समाज को सशक्त होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, लेकिन हिंदू समाज को शीलवान भी होना चाहिए, क्योंकि शक्ति का उपयोग शील के साथ ही कल्याण की ओर बढ़ाता है। बिना शील के शक्ति नहीं होती, बिना शील के शक्ति राक्षस की शक्ति होती है, और बिना शक्ति के शील दुर्बल होने के कारण भयग्रस्त होता है, और भय के कारण हिंसा करता है। दुर्बल लोग भय करते हैं, भय करते हैं इसलिए दूर से कोई दिखा कि अपनी तलवार निकालकर पास में रखते हैं कि न जानो इधर बढ़ गया तो मारना पड़ेगा, डर के कारण होता है। शक्ति और शील दोनों साथ जब चलते हैं तब फिर उपयोग होता है। शक्ति के साथ ये शील की साधुता होनी चाहिए। और इसलिए प्रार्थना में आपने सुना,
स्वयं से क्रोध कहता है अजय्यान च विश्वस्य देही से शक्ति, अगली पंक्ति में कहता है सुशीलम जगत येन नम्रम भवेत। हिंदू समाज को उसके अपने सुशील पर खड़ा करना, शक्ति संपन्न बनाकर संपूर्ण भारत का और उत्थान हो उसके प्रयत्नों के द्वारा, इसके लिए संगठित बनाना, जिस दुर्बलता के कारण अन्य लोगों के प्रति भय और दुर्भाव पैदा होता है, उस दुर्बलता को उसके जीवन से संपूर्ण हटा देना और सद्भाव सदाचार सद्व्यवहार और समरसता के साथ समय की चुनौती स्वीकार कर वो अपने देश को, सारी दुनिया को ये बातें देने वाला देश बनाएगा, ऐसा हिंदू समाज हमको खड़ा करना है। हम सबको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको करना ही नहीं, ये संघ ने ठेके पर लिया हुआ काम नहीं है, और इसका ठेका भी मत संघ को दीजिए, किसी को ना दीजिए, ये काम ठेके पर होते ही नहीं। हम सबको लगना पड़ेगा, विचार कीजिए, अपने विवेक का उपयोग कीजिए। अगर लगता है कि मैं जो कह रहा हूं ये बात सही है, तो हम लोगों को संघ के सारे प्रयासों में हाथ लगाना पड़ेगा, कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। आज विजयादशमी है, भगवती कल तक जागृत की गई और जागृत भगवती ने आज विजय संपादन की। वो भगवती शक्ति बनी कैसे? सतत नौ दिन नौ रात्रि प्रयास करके संपूर्ण देव समाज ने अपनी शक्ति को संगठित किया। उनके सामने भी महिषासुर जैसे संकट थे, उनके सामने भी रक्तबीज, एक एक बूंद से नया रक्तबीज खड़ा होगा ऐसी चुनौतियां थी, उनके सामने भी समस्याएं थी। जिस प्रकार की समस्या, जिस प्रकार का संकट, जिस प्रकार की चुनौती, उस प्रकार का रूप लेकर उसका प्रतिकार करने वाली भगवती शक्ति देवों के सुशील संगठन में से प्रकट हुई, और फिर असुर विजय हुआ, आसुर विजय हुआ, असुरों पर विजय, असुर विजय नहीं, असुर विजय अलग बात है। तीन प्रकार के विजय है, धर्म विजय, यानी जिस विजय के परिणाम स्वरूप समाज को जोड़ने वाला, समाज की धारणा करने वाला, समाज को उन्नत करने वाला धर्म प्रवर्तित होता है, वो धर्म विजय है। धन विजय यानी जो विजयी होता है वो धन जमा करता है, लूटता है, हस्तगत कर लेता है, और असुर विजय यानी जो विजयी होता है वो अत्याचार करता है। संघ का प्रयास, भगवती का उदय धर्म विजय के लिए था, और धर्म विजय हुआ इसलिए हमको भी उसी राह पर चलना पड़ेगा। जागृत स्पष्ट दृष्टि वाला निस्वार्थ प्रामाणिक सतत प्रयास में लगा हुआ अभेद्य एकता का उदाहरण बनकर, वज्र शक्ति बनकर जब समाज खड़ा होगा, तब शाश्वत और संपूर्ण सफलता मिलेगी, विश्व का कल्याण होगा, समस्त मानव समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, और हमारा आपका जीवन भी एक दिव्य जीवन बनेगा। ऐसे जीवन का आवाहन करने के लिए ये कार्यकर्ता निर्माण का संघ का काम चलता है, उसके सहयोगी बनाने का और आवाहन में आपके सहयोगी बनने का आवाहन मैं आपके संबंध में रखता हूं, और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं।